हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित शर्मा। वेलकम टू बीबीएन क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनको आप 12th पास करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब से अच्छी जॉब सिक्योरिटी आपको कहीं भी नहीं मिलती है, और ये बात आपकी कोरोना काल में प्रूफ भी हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनसे आप एक क्लास ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सब पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी आप एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूं, और जहां पे मुझे पता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण गांव में लोग केवल और केवल आर्मी और पुलिस पे फोकस करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 12th के बाद इतने बेस्ट कैरियर ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप क्लास ए ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दो चीज़ों की ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो परसेंटेज का एक बार होता है कि इतनी परसेंटेज से ब्लो इन फॉर्म्स को फिल नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो उन चीज़ों के लिए। सेकेंड, इन गवर्नमेंट जॉब्स की आप जितनी जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर दें उतना अच्छा है, क्योंकि इनकी एक एज लिमिट भी होती है, उस एज लिमिट के बाद आप इन फॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रीफ्रेंस अगर मैं देना चाहूँ तो हमारी टॉप वन पे है नेशनल डिफेंस अकेडमी की जॉब, जिससे आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। ये एक ऐसी जॉब है जिससे आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में आप अपने कैरियर चुन सकते हैं। तो अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए, और अपीयरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं, लेकिन PCM कंपलसरी है। अगर एज की बात करें तो 6.5 से 19.5 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। इसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं, और उसके बाद एक SSP का इंटरव्यू भी होता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और अनमेरिड कैंडिडेट इसके लिए होना चाहिए। अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी 56,100 प्लस MSP एंड अदर अलाउंस होती है। MSP क्या होता है? MSP मिलिट्री सर्विस पे, जिससे आपका जो इस जॉब की सैलरी है वो एक IAS ऑफिसर से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको MSP नहीं मिलता है। और इस तरीके से ये जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहें तो NDA मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ है, बहुत ही अच्छे अच्छे टास्क आपको इस जॉब में दिए जाते हैं, और रेपो जिसका आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में रेपो और लाइफस्टाइल क्या होती है। अगर बात करें इसके प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के प्रमोशंस आप में पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट आर्मी में अपॉइंट होते हो, नेवी में एज ए सब लेफ्टिनेंट आप अपॉइंट होते हो, और एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर आप अपॉइंट होते हो। इसके बाद 2 ईयर्स बाद अगर आप आर्मी में हैं तो कैप्टन बनते हैं, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, और उसके बाद ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जॉब कितनी अच्छी सिक्योर है। अगर सेकंड जॉब की बात करें तो ये है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके द्वारा जो फोर्सेस हैं, आर्मी हैं, आर्मी आर्म फोर्सेस हैं हमारी, वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं। अगर आपके 70% मार्क्स हैं PCM में, तो आप डायरेक्ट विदाउट एनी रिटन एग्जाम आप इंटरव्यू देके इन जॉब्स में सिलेक्ट हो सकते हो। इसके लिए आपको 12th क्वालिफाइड चाहिए, 70% मार्क्स PCM में चाहिए, और अगर एज की बात करें तो जितनी एज NDA में चाहिए 16.5 टू 19.5 की एज आपको इसमें चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें 56,100 से लेके 177,500 तक आपकी होती है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो NDA में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन ये आपकी टेक्निकल फील्ड की जॉब है तो आपको टेक्निकल फील्ड का काम दिया जाएगा, तो इसमें रिस्क के चांस बहुत ही लेस हैं।
वर्सेटाइल चॉइस ऑफ आर्म्स है या वर्सेटाइल आपकी जो टास्क मिलेंगे वो वर्सेटाइल होंगे और रिस्क बहुत ही कम है। अगर इसके प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस सेम एनडीए की तरह हैं। अगर आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो 2 साल बाद कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक आप रिटायरमेंट हो सकते हैं। और अगर इनके पे स्केल्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके पे स्केल्स बहुत अच्छे हैं। 10th लेवल पे स्केल से ये स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट जॉब पे अगर आप आए तो ये है SCRA, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस। ये एक रेलवे की सबसे उम्दा, सबसे बेस्ट जॉब होती है 12th पास करने के बाद। इससे आप एज ए IAS लेवल की जॉब कहेंगे, जिससे आपकी पे स्केल भी IAS का होता है और रेलवे डिपार्टमेंट के जो अलाउंसेस हैं, प्रमोशंस हैं, वो तो सबसे मजेदार होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आपको 17 ईयर्स से 21 ईयर्स तक की एज चाहिए। मेडिकली आपको फिट होना होता है और 12th में आपको कंपलसरी मैथ चाहिए। मैथ के अलावा और फिजिक्स या बायो में से आप कुछ भी ले सकते हो, केमिस्ट्री हो। अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो स्टूडेंट्स इसकी सैलरी भी 5400 ग्रेड पे की जॉब है। ये एज ए IAS लेवल क्लास ए ऑफिसर्स की जॉब है और इसमें प्रमोशंस बहुत ही ज्यादा हैं, अलाउंसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा आपको बंगला, गाड़ी, नौकर सभी रेलवे के द्वारा दी जाती हैं सारी फैसिलिटीज। अगर बात करें अपनी नेक्स्ट जॉब की, तो ये बहुत शानदार रॉयल जॉब जिसको बोल सकते हैं, एयरफोर्स एयरमैन की। अगर इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको 12th विद मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स फॉर एक्स ग्रुप के लिए चाहिए। और अगर आप 12th एनी स्ट्रीम, अदर स्ट्रीम से हैं, तो आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको 12th में मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में 70% से कम मार्क्स हैं, तो आप कुछ पोस्ट के लिए, कुछ जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो एक्स ग्रेड की सैलरी होती है 33,000 और अगर वाई ग्रेड की सैलरी देखें तो 27,000 होती है। अगर प्रमोशंस की बात करें, तो सबसे पहले आप रैंक 2 के ऑफिसर होते हैं, कॉर्पोरल, कॉर्पोरल के बाद सर्जेंट बनते हैं, सर्जेंट ऑफिसर के बाद आप क्लास B ऑफिसर्स बन जाते हैं और 18-19 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हो, तो आप नॉन कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें आपको फ्लाइट इंजीनियरिंग की ये डिग्री देते हैं एक्स ग्रुप में, और आप किसी भी एग्जाम में डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा अगर आप अपॉइंट हो जाते हो, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम वहां पे जाके क्लियर कर देते हो, तो आप एज ए ऑफिसर, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर वहां पे अपॉइंट हो जाते हो, तो इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बात करें अपनी नेक्स्ट जॉब की, वो है RRB NTPC, मीन्स भारतीय रेल की ये जॉब है। रेलवे डिपार्टमेंट इनको ऑर्गेनाइज कराता है। अगर इसमें जॉब्स की बात करें, तो वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब होती हैं, जैसे ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें आपको ट्रेन चलाने का मौका दिया जाता है, और क्लर्क, ग्रुप D, टिकट चेकर, TT भी आप इन जॉब से बन सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो पोस्ट वाइज इनकी एलिजिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। जैसे ALP के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स चाहिए, क्लर्क के लिए ओनली 12th चाहिए, और इसी तरीके से इनकी, लेकिन 12th स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाइड चाहिए, और इनकी एज जो होती है वो 18 to 30 ईयर्स होती है। अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो सैलरी जो होती है वो ALP की बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, क्लर्क की क्लर्क वाले ग्रेड पे से सैलरी होती है, लेकिन प्रमोशंस, रेलवे में प्रमोशंस और अलाउंसेस की भरमार होती है। आपको हर तरीके की फैसिलिटीज मिलती हैं, आप फ्री रेल से आना जाना कर सकते हैं, आपका परिवार भी फ्री रेल में आ जा सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात करें पुलिस कांस्टेबल की, तो पुलिस कांस्टेबल भी एक अच्छी जॉब है, जहाँ पे आपको होम पोस्टिंग
होम स्टेट में रहने का मौका मिलता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th क्लास इसमें पास चाहिए और 18 टू 25 इयर्स की एज इसमें चाहिए। उसके अलावा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ रेस और कुछ लॉन्ग जंप हाई जंप भी होती हैं इसमें, तो फिजिकली फिट होना इसके लिए मेन एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा हाइट भी इसमें चाहिए, चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है। अगर बात करें इसके प्रमोशंस की तो सबसे पहले आप एज ए कॉन्स्टेबल अपॉइंट होते हैं, उसके बाद 5 साल बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं तो आप हेड कॉन्स्टेबल अपॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद 2 और 3 ईयर्स के बाद आप ASI, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर और लास्ट में आप DSP तक कॉन्स्टेबल से बन सकते हो। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको लॉ एंड डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है सिटी में, तो आप ये बहुत ही एडवेंचरस और रॉ वाली जॉब है जो रूरल एरिया वाले बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। तो अगर बात करें अपनी नेक्स्ट जॉब की तो यहाँ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन LDC क्लर्क कॉन्स्टेबल स्टेनो MTS क्लर्क की जॉब, जो क्लर्क की होती है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स आपको अलॉट होते हैं। कॉन्स्टेबल की जॉब होती है GD की, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को, CGL से भी ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म्स को फिल करते हैं। स्टेनो की बात करें तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, जिसका पे स्केल बहुत ही ज़्यादा होता है सभी पोस्टों से। ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है जिसको, जैसे पूरा सेंटेंस जो होता है उसको कोडिंग या डिकोडिंग करते हैं सिंबल्स में, तो इसकी प्रमोशंस और सैलरी क्लर्क से बहुत ज़्यादा होती है। और अगर MTS की बात करें तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 12th पास आपको चाहिए, उसके अलावा 18 टू 27 ईयर्स से ब्लो एज चाहिए, और टाइपिंग स्पीड अगर क्लर्क के लिए आप एलिजिबल हैं और स्टेनो के लिए हैं तो आपको टाइपिंग स्पीड भी कंप्यूटर पे होनी चाहिए आपकी 30 टू 35। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी क्लर्क का ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे से, और उसी तरीके से MTS का और उसका अलग अलग अपना ग्रेड पे होता है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इंडोर जॉब है ये, ऑफिस की जॉब है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे रेपुटेड डिपार्टमेंट में जॉब करने का मौका मिलेगा, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री में या किसी भी तरह के मंत्रालय में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, और वहाँ पे आप अपने अच्छे लाइसेंस बना सकते हैं। उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी आपकी जॉब अपॉइंट हो सकती है, कैग में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये जॉब लगाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर बात करें प्रमोशंस की तो क्लर्क से आप सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हैं, और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अगर आप क्लियर करते हैं तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अगर हम अपनी आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 12th के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिनसे आप एक अच्छी वेल एजुकेटेड जॉब, वेल स्टैंडर्ड जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।